मैंने सुना आप ड्रामास करने जा रही हैं जी अच्छा मतलब अभी मैंने कुछ साइन नहीं किया हाँ यहाँ यहाँ आपके बंदे ठीक है जिन्होंने आपको दिया रिपोर्टर ये रिपोर्टर का नाम है उड़ी उड़ी ये तो घर का बंदा है फिर उड़ी जो है वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं इधर ही बैठे हुए कैमरे के पीछे उनका नाम नुमान है उड़ी का जो उड़ी, मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी सुना दूं आप तो आपको उड़ी के पीछे स्टोरी पता है जी मुझे आपके आपके दूसरे दोस्त ने इनके बारे में बताया हम एल एस ए में थे 2017 और नुमान ने मुझे कहा कि यार क्या तू कमरा लेगा मेरे साथ ही शेयर कर ले और मेरे पास पैसे भी नहीं थे तो मैं इनके साथ कमरा शेयर कर रहा था तो वो अपनी बेटी से बात कर रहे थे उनका कहीं दांत टूट गया था तो उसने कहा वो वाला दांत उड़ी तो तब से मैंने उनका नाम सेव कर लिया उड़ी तो वो हैं जरा थोड़े से एक कराची की उन्होंने बताया था कि टर्म है अब वो जहाज को देखते जहाज को भी कहते हैं उड़ी हम लोग पंजाब में कोई अब मेरा टाइम है गेम खेलते अपना टाइम आएगा वो वाली चिड़ी उड़ी उनको देख के लगता भी है चिड़ी उड़ी उनको लगता है कि वो दांत भी उड़ी अच्छा वैसे क्या कैसा एक्सपीरियंस था फिल्म्स का अली के साथ फिर शहरिया मुनव्वर शहरिया अली के साथ हम मैंने पहली फिल्म की जहां पे मेरी आपसे मुलाकात हुई थी और उनके साथ अच्छा एक्सपीरियंस था मतलब ऑब्वियसली वो इतनी फिल्म्स करके आए हुए थे और माशाल्लाह से सीनियर भी हैं मुझसे उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा फिर उसके बाद जूनियर है शहरयार ने उस तरह की फिल्म्स नहीं की हुई थी ऑब्वियसली अली बॉलीवुड में फिल्म करके आए हुए थे शहरयार की आई थिंक ये फोर्थ फिल्म थी ये वाली टू बी वेरी ऑनेस्ट जब मैंने इनके साथ काम किया शहरयार के साथ तो मुझे ये लगा कि मैंने इनसे ज्यादा बेहतरीन इंसान नहीं मजाक कर रहा हूं दैट्स ऑन अ लाइट नोट बट शहरयार इज अ ग्रेट फ्रेंड सो दोनों में से कौन सी फेवरेट फिल्म है दोनों मेरी एक चूज करना हो नहीं सकती मुझे अपने हर ड्रामा भी बहुत मेरा फेवरेट है और सारी फिल्म्स क्योंकि आप उतनी मेहनत से काम कर रहे होते हैं आपने एक ड्रामा किया था एक नई सिंड्रेला मेरा पहला एज अ लीड वो ड्रामा था ठीक है अल्लाह माफ करे यार अल्लाह माफ करे मतलब एक सजाद भाई का गाना था सिंड्रेला और एक असल सिंड्रेला थी और एक ये ड्रामा था सीरियसली मैं भी शो में इनमें जो जीत गया वो आपका ड्रामा है नहीं नहीं सीरियसली मैं बता रही हूं मैं जिस प्रोजेक्ट में जाती हूं वो जीत जाता बताएं ना यार मूविंग ऑन क्या बताएं क्या घर में क्या खाया फिर आज हां चलो ये बता दे क्या खाया कैसे आया क्या खाना खाया मुझे तो लगा था कि मैं जाऊंगी और मुझे शो में कुछ खाने के लिए मिलेगा लेकिन इस एक कप जो ठंडी होती है चाहे तो गर्म करवा के मुझे पकड़ा देते और फिर ऐसे अच्छा तो ऐसे आपको हमारे बजट का अंदाजा हो सकता होगा मुझे लगता है इन्होंने मेरे सारे शोज देखे हैं सही है हाँ मैंने बचपन इतनी सी थी तब से आपके सारे ऑन एंड ऑफ शोज देखे ऑन एंड ऑफ शोज देखे इतनी Move on to the next segment और ये बातें तो चलती रहेंगी द नेक्स्ट सेगमेंट इज एपिक रैपिड फायर सो एपिक मोमेंट इन लाइफ मेरे बहुत से हैं अभी तो अभी मुझे लगता है कि जैसे बट साहब थे ना बट साहब को गुस्सा हुआ गुस्से में बैठे थे मोमेंट इन लाइफ में यही 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 इसी के लिए तो पैदा हुआ था बट उसके बाद उन्होंने सीएस जवाब दिया था उन्होंने कहा मेरा बेटा आप नहीं दे सकती हैं जवाब नो आई थिंक मैंने थी फाइन ट्रबल साइन की थी आपको पता है पहली चॉइस नहीं थी मुझे ये भी पता था कि जब मैं अपना पहला ऑडिशन देकर आई थी तो मैं कभी भी ये फिल्म ना करती पर वो जिसकी होती है किस्मत में उसी को मिल जाती है ये बिलीफ है ना मगर इन्होंने तीसरे के साथ बड़ा जबरदस्त जस्टिस किया है फिल्म में और बहुत अच्छी फिल्म थी एपिक सेलिब्रिटी इन योर ओपिनियन शहरयार मुनव्वर एंड इंटरनेशनल दीपिका पादुकोण ठीक है एपिक गेम आजकल मैं बहुत खेल रही हूँ अपनी कजिन्स के साथ वो सीक्वेंस कोई गेम है तो मेरा टाइम अच्छा गुजर जाता है तो ओके दैट्स फाइन ठीक है वो फोन पे होती है नहीं वो आई थिंक मैट होता है उस पे वैसे आपके जमाने में तो काफी पुरानी गेम थी हां हमारे जमाने में तो उड़ी चलता था ना सांप वाली भी गेम थी 99 पे सांप ने डस लिया अरे हां 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 पीछे करके लूडो खेल ली एपिक सेलिब्रिटी दोस्त आप दो हैं एक्चुअली वो दूसरा कौन है एक शहरयार है और एक वहाज है एपिक फिल्म जो मैंने की है या जो मैंने देखी है दोनों बता दें नहीं नहीं अच्छा जो मैंने देखी है वो हाँ। वो ज्यादा आसान है मेरे लिए आई थिंक मुझे बहुत अच्छी लगती है कुछ कुछ होता है एक और बता दें जो पाकिस्तानी हो कुछ कुछ होता है टीफा इन ट्रबल कुछ सवालों के जवाब या तो शहरयार मुनव्वर हैं या फिर मैंने दो फिल्म्स की है ना माशाल्लाह दोनों पाकिस्तान की बड़ी फिल्म्स हैं नहीं तो आप किसी और की भी तो पसंद कर सकती हैं मुझे अपनी ज्यादा पसंद लाल कबूतर टाइप काफी जो नॉमिनेट मुझे अपनी ज्यादा अच्छी लगती है सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं काफी थोड़ा मैंने किया अच्छा एपिक नेक्स्ट सॉन्ग एंड फ्यू लाइंस इफ यू कैन से नहीं सुना नहीं मैं सकती चलो फिर नाम बता दें डिंगडो
नहीं मैं आपके गाने नहीं बता रही. एक्चुअली पाकिस्तान के बहुत अच्छे गाने हैं, बहुत अच्छे गाने हैं. और अभी टीफा के बहुत अच्छे गाने थे. हाँ, I love के आइटम नंबर नहीं करूंगी. Yes, exactly. ये आपने बताया था तो उन्होंने गाना बना दिया था. नहीं, अली ने मुझे कहा था कि आइटम नंबर नहीं करूंगी. अच्छा. तो मैंने कहा ओके. हाँ. एपिक डिजाइनर. एपिक डिजाइनर वो होगा. बहुत सारे ना, उन्होंने बहुत सारे हैं, सब बहुत अच्छे हैं. मसला नहीं, एक नहीं हो सकते ना, बहुत सारे हैं. नहीं नहीं, एक नहीं, सब बहुत अच्छे हैं. सब एक डिजाइनर, सब लाइक नोमिन सारी, फाजिल सकलेन, HSY, अली जिशान, सब बहुत अच्छे. किसी को नाराज नहीं करना. नाराज की बात नहीं है, सब सारे बहुत अच्छे हैं. या एपिक सिंगर एंड बैंड फाज गई. दो नाम लाइक नहीं, आई थिंक तीन नाम. ओके, तीन नाम. एक डायलॉग था जो मैंने शहरयार के लिए कहा था, क्योंकि वो छोटा था तो मुझे याद रह गया. बदाम ही ना कहना बचपन में. शीशे में उतारना कोई तुमसे सीखे. ये था अभी एपिक डायलॉग. जो नॉर्मल डायलॉग क्या होंगे आप ये इमेजिन करें. हमारे शो का एक फॉर्मेट है जी. उसके अंदर हम स्टडी करते हैं आजकल की जितने सेलिब्रिटीज हैं, दे आर वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया एंड सो आर यू. सो सोशल मीडिया पे लोग बड़े बिगड़ गए हैं, जीप जीप से बातें करते हैं. तो हम थ्रू सेलिब्रिटीज उनको थोड़ा एजुकेट करने की कोशिश करें. सो 45 सेकंड्स में, दिस इज कॉल्ड ESR, एपिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेगमेंट, एंड हाउ कैन वी मेक सोशल मीडिया बेटर प्लेस टू लिव, योर आंसर इन 45 सेकंड्स. और टाइमर लगा दें. मुझे ये लगता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा जजमेंटल हैं. अभी दो दिन पहले मैं अपनी कज़न से बात कर रही थी और मुझे उसमें भी ये लग रहा था कि हम लोग एक चीज़ जब शुरू हो जाती है, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो कोई भी आपकी ज़िंदगी में आसपास हो रहा था, हम उसको फॉलो करते हैं. क्यों? क्योंकि हमें बहुत कूल बनना होता है. लेकिन हम भूल जाते हैं कि वो एक्चुअली ठीक है या वो गलत है. तो अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही हो, बुरी लग रही हो, आपकी ओपिनियन बहुत मैटर करती है, तो प्लीज़ इधर उधर देखने की बजाय खुद सोचें और समझें और फिर उसको करें. थैंक यू. बहुत अच्छी जवाब था. जजमेंटल ना हुआ करो यार. एक्चुअली ये प्रॉब्लम है हमारी, ये बहुत सीरियस बात है हमारे लोगों में है कि अगर एक चीज किसी ने लिख दी है, बोल दी है, तो हमने ये देखना ही नहीं है कि अच्छा इसके पीछे की बैक स्टोरी क्या क्या. बस हम भी शुरू हो जाते हैं. इतना अच्छा जवाब है, इस जवाब पे इनको दोबारा गर्म चाय तो मिलनी चाहिए. ले आओ यार. हाँ बिल्कुल. ये कितनी बार गर्म हो रही है. सो वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट व्हिच इज रैंडम सेक्शन. सो योर फेवरेट शो. माय फेवरेट शो, टीवी शो. Yeah, could be anything. आजकल मैं उसको फॉलो कर रही हूँ, अलीफ और मेरे पास तुम हो को, हमारा पाकिस्तानी ड्रामा. ओके, वो तो ड्रामा हो गया ना. अच्छा टीवी शो. हाँ, मैं चाहता था आपके मुंह से निकल जाए एपिक शो. एमी एमी जल्दी से बोल दे एपिक शो. ये इन्होंने जैपनीज में बोला है. आते साथ इन्होंने मुझसे मिली भी, मुशी मुशी. ठीक है, तो उसी तरह से इन्होंने आके जो कि जैपनीज में एपिक शो की ट्रांसलेशन कर दी है. तो हमारी क्योंकि इंटरनेशनल ऑडियंस है, जापान में भी काफी लोग देख रहे होंगे, तो आप लोगों के लिए उन्होंने आज एंडोर्समेंट किए. अच्छा, अब एक बहुत ही सीरियस किस्म का सवाल. टेल मी, जिंदगी क्या है, जिंदगी का मकसद और उसकी क्या जुस्तजू है. बहुत सीरियस बात आपने कर दी है. जिंदगी बहुत खूबसूरत है, ट्रस्ट मी. एक्चुअली समटाइम ऐसा होता है कि हमें लगता है कि सब चीजें, सब प्रॉब्लम्स हमारे साथ ही हो रही हैं, लेकिन जब आपके साथ कुछ मुश्किल आ रही होती है ना, तो मेरा बिलीव इतना स्ट्रांग है इस बात पे कि जब अल्लाह आपसे कुछ ले रहा होता है ना, तो आपको दे भी रहा होता है. बस आपने उसके लिए पॉजिटिव रहना है और उस जात पे यकीन रखना है. और यही मैं अपनी जिंदगी में करती आ रही हूँ. बहुत मुश्किलें आती हैं, तो मुझे पता है कि यह वक्त गुजर जाएगा. थोड़ा बहुत मुझे इसके बारे में पता है, मगर फिर भी पूछ लेती हूँ. मैं होती हूँ बस. लेकिन जो फ्रेंड्स के साथ होती हूँ या फैमिली के साथ तो बिल्कुल नहीं. इस बात पे बहुत से लोग बोलेंगे ये कैसा जोक है जिन्होंने इन्होंने किया, एंजॉय भी इन्होंने किया और किया भी इन्होंने. और मुझे कहीं ना, मुझे लगता है कि हर एक इंसान में कुछ ना कुछ अच्छा तो जरूर होता है. ऑब्वियसली वो काम की चीज हो, चाहे वो कुछ और हो, तो मैं उसको माहिरा खान, शहरयार मुनव्वर, अली जफर. सो हु वाज़ मोस्ट फन टू वर्क विद. ये चार लोग हैं, अली जफर, शहरयार मुनव्वर,
हमजा अली बासी और उस्मान खालिद भट्ट सबके साथ मैंने मुझे बहुत मैंने एंजॉय किया है काम को और सब आई थिंक अपनी जगह मोस्ट फन आई थिंक उस्मान खालिद भट्ट क्योंकि उनके साथ मैंने अपना करियर शुरू किया था काम के साथ शुरू किया तो उनके साथ मेरी केमिस्ट्री द मोस्ट डिफिकल्ट डायरेक्टर टू वर्क विद डिफिकल्ट नो आई डोंट थिंक सो सबका अपना अपना नहीं मतलब जिससे आपको लगता हो कि थोड़ा डर लगता हो यार ये बंदा जो है सोच रही हूं एसन भाई नो एक्चुअली आसिम के साथ मैंने बहुत सारे वो तो बहुत कंपोज्ड आदमी वो तो बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं है मैंने ऐड किया था पहला ऐड जब उनके साथ मुझे सबने कहा कि आसिम रजा के साथ तो वो इतना डर ऑलरेडी मेरे अंदर बैठ गया हुआ था कि जब मैं सेट पे भी गई थी तो मुझे था कि ओके ये मगर ऐसे नहीं बिल्कुल नहीं है बहुत चला मतलब सारे डायरेक्टर्स को ये था डिफिकल्ट नहीं था देखिए सबको प्रॉब्लम होती है काम से वो एक होता ना जिससे छड़ी मारता है छड़ी मारने वाला कोई नहीं है वो जितनी मुझे डांट पड़नी थी ना वो हायसम हुसैन से बढ़ गई हुई है मुझे